We'll be right back.
रुक्मणी ने जवाब दिया ब्राह्मण को, ये खत ले जाओ और ये चिट्ठी द्वारका में भगवान कन्हैया तक पहुंचा दो। वो कितना बड़ा हृदय होगा, मुसीबत के समय रुक्मणी अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए पंडित जी के हाथ जोड़ने लगी। जवाब दिया ब्राह्मण देव, आप साधु हो, वसंत हृदय नवनीत समाना, सोधे सोधे विद्वान बखाना। जवाब दिया हम पे तो चलो नहीं जाते, हम तो रास्ता में ही मर जाएंगे। रुक्मणी ने खत ब्राह्मण को दे दिया, जवाब दिया ये चिट्ठी भगवान तक पहुंचा करके आओ, कैसे जाना है क्या करना है तुम जानो। ब्राह्मण आगे बढ़े तो रुक्मणी ने जवाब दिया, पंडित जी ने कहा रुको मैं गई और अभी आई। आंगन में जाकर के रुक्मणी ने ब्राह्मण के लिए कलेवा बांध दिया, जवाब दिया अगर भूख लगे तो रास्ता में खाते जाना चलते जाना, मगर द्वारका से पहले रुकना नहीं। अब कुंदनपुर से द्वारका की दूरी कोई छोटी मोटी तो दूरी है नहीं, यज्ञपति महाराज बुढ़ापे को शरीर साथ में सवारी ना है, जाकी वह भगवान से डोर लगी तो सवारी की जरूरत ना है, याद रखना भैया। जाकी जीवन की डोरी कन्हैया के हाथ है तो वह सवारी की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण चले, दोपहर हो गई, कितने निकल पाए 1.5 कोस, और द्वारका कितनी है 750 कोस। बाग रास्ता के किनारे देखा बगिया बड़ी सुंदर है, पंडित जी ने सोचा थोड़ा आराम करने तब चलेंगे। बगिया को निहार के विचार करने लगे, ताली मजाओ तुम लोग भी बोलो, क्या सोचने लगे पंडित जी के तो पारी बिलमाए ले ओ। ब्राह्मण ने भोजन किया, जल पी के आराम करने लगे, भगवान की कृपा पंडित जी सो गए। अब जब सो गए कन्हैया सोचने लगे वाह भाई वाह, बूढ़े ब्राह्मण तो वहीं सो गए। अपनी जरा सी भक्ति के सारे पे योग माया से आदेश करके ब्राह्मण को उठवाया और द्वारका के पास में वैसा ही बगीचा बना दिया जैसी बगीचा में ब्राह्मण लेटे थे। देखो भगवान की लीला। अब आंख खुली तो सूर्यास्त होने जा रहे, पंडित जी सोचने लगे आए अब बड़ी मुसीबत।